कई लोग बहुत ज़्यादा नमक का सेवन करते हैं जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। उसी प्रकार अधिक सोडियम युक्त चीज़ें खाने से भी आप कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। सोडियम एक प्रकार का मिनरल है जो आपके शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। एक प्रकार से यह शरीर का मुख्य इलेक्ट्रोलाइट है जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। इसके साथ ही सोडियम का सेवन आपकी मांसपेशियों और नर्व सेल फंक्शंस के लिए भी अच्छा माना जाता है। परंतु आपको बता दें कि इसका अधिक मात्रा में सेवन आपको किडनी और हार्ट से जुड़ी परेशानी दे सकता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किडनी ट्रीटमेंट विदाउट डायलिसिस में, जहां हम आपको किडनी से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां देते हैं। साथ ही हम आपको किडनी के लिए सही आहार के बारे में भी जानकारी देते हैं। आज हम आपको लो सोडियम डाइट के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि आपकी किडनी को कौन सी डाइट क्या नुकसान दे सकती है। सामान्यतः आप एक दिन में सोडियम की मात्रा 2.4 ग्राम लें, इससे अधिक बिल्कुल भी नहीं। और साथ ही आपको बता दें, जिन्हें हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उन्हें एक दिन में केवल 1.5 ग्राम तक ही सोडियम लेना चाहिए। आइए जानते हैं कि लो सोडियम फूड कौन से हैं। इसमें सबसे पहले आता है सेब। सेब एक ऐसा फल है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि रोजाना एक सेब का सेवन करो तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, इसलिए रोजाना एक सेब खाना चाहिए। 100 ग्राम सेब में 1 मिलीग्राम सोडियम की मात्रा होती है। सेब का सेवन आपको शरीर में होने वाली कई सारी परेशानियों से दूर रखता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि सेब का सेवन किडनी के मरीज भी कर सकते हैं। लो सोडियम डाइट में दूसरा है संतरा। अगर आप संतरे का सेवन करते हैं तो यह आपको शरीर में होने वाली कई सारी परेशानियों से दूर रखता है। संतरा लो सोडियम डाइट में आता है जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक है। संतरा एक रसदार फ्रूट है जिसमें सही मात्रा में पानी होता है जो आपकी किडनी को डिटॉक्स करता है, जिससे आपकी किडनी अपना काम ठीक से कर पाती है। लेकिन ध्यान रहे, किडनी के मरीज इसका सेवन ना करें, ये उनके लिए हानिकारक हो सकता है। केले में भी सोडियम कम मात्रा में होता है जो आपके शरीर में सोडियम की मात्रा को बढ़ने नहीं देता। केले में पोटेशियम सही मात्रा में होता है जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देता, जिससे आपका हार्ट और आपकी किडनी दोनों ही अपना काम ठीक तरह से करते हैं। लेकिन किडनी के मरीज केले का सेवन ना करें, क्योंकि यह उनकी डैमेज किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है। लो सोडियम फूड में पालक भी शामिल है। अगर आप पालक को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इससे आपकी किडनी सही तरह से डिटॉक्स होती है, क्योंकि पालक में पानी सही मात्रा में पाया जाता है जो आपके शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है। इसके साथ ही इसमें पाए जाने वाले विटामिन्स और मिनरल्स आपकी किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, किडनी के मरीज इसका सेवन ना करें, क्योंकि इसका सेवन यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है। लो सोडियम फूड में अगला है गाजर, और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका सेवन किडनी के मरीज भी कर सकते हैं। गाजर में सोडियम की मात्रा बहुत कम होती है, साथ ही इसमें सभी प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स अधिक मात्रा में होते हैं, जो आपको शरीर में होने वाली कई सारी बीमारियों से दूर रखते हैं। तो ये है कुछ लो सोडियम आहार जिनका सेवन आपके लिए सुरक्षित है। लेकिन ध्यान रहे, किडनी के मरीजों को इसका सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मायुर्दा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मायुर्दा उपचार केंद्र में आपको किडनी से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मायुर्दा में कुशल डाइटिशियन मौजूद हैं जो किडनी के मरीजों को कौन सी डाइट लेनी सही है और कौन सी नहीं, इस बात को ध्यान में रखते हुए मरीज को सही आहार की जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट जैसी समस्या से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मायुर्दा उपचार केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। कर्मायुर्दा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे स्वस्थ हुए, आइए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी।
क्या नाम है मरीज का? जी ए के पांडे क्या दिक्कत थी जब आप आए थे? सर, लीवर का प्रॉब्लम था और वो बीपी वगैरह की कुछ प्रॉब्लम थी, तो अभी फ़िलहाल उसमें सुधार बहुत हुआ है। और बाकी जो भी है खाने का, जो हम लोगों ने परहेज किया है, वो अभी फ़िलहाल तो सही चल रहा है। क्रिएटिनिन कितना था जब आप आए थे? 4.4 कुछ था सर। अच्छा, उसके बाद कितना हो गया था? सर अभी 3.1 पे आ गया सर। परहेज पूरी कर रहे हैं ना? जी सर, परहेज पूरी कर रहे हैं।